यहाँ पे जो बाढ़ का पानी आया था उसी को रोक के रखा गया था। अच्छा, बाढ़ का पानी को, और यही सब पानी को जो इसमें यूज कर लिया गया है, कंप्लीट कर दिया। बट यहाँ पर अभी पुल बनना था जो कि अभी बन चुका है फाइनल। कौन सा पुल बनना है? यही पुल। अच्छा, जो बन चुका था तो यही तक फाइनल हुआ था। ये जो काम है ना अभी, हाँ। इसका पुल का काम पूरा फाइनल हो चुका है। अब इस पे जो है मट्टी किया जाएगा, मट्टी भरा जाएगा। अच्छा, और ये अभी थोड़ा सा काम और चल भी रहा है। इसी पुल की वजह से काम रोका गया था क्या? जी, इसी पुल की वजह से शायद ना यहाँ पर जो लेयरिंग वगैरह रोड का कुछ नहीं हुआ। ये अभी हालांकि पुल जो है कम्प्लीट हो चुका है। और अभी जो ये लाइट का जो गया है 33 लाख का तार, इस सब को भी साइड किया जाएगा, तभी यहाँ पे अच्छा फाइनल लेयरिंग किया जाएगा। ये इसको सब, अच्छा ये इस तार की वजह से रुका होता ना, ये दोस्तों जो गड़ा है ना रोड के बीच आ रहा है। दूसरा रीजन भी है ना यहाँ पर काम ना होने का, ये है कि अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मिट्टी भराई का काम हुआ है। अभी पूरा फाइनल मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ है अभी। ये मिट्टी जो है बहुत ऊंचा होगा। ये जो यहाँ जो क्रॉसिंग दे रहा है ऋषि कुंड और मस्जिद मोड़ का जो रोड है हम लोगों का, वही रोड को क्रॉसिंग दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो आगे जो रोड है नवागिरी से ऋषिकुंड जाने का, तो उसी के लिए यहाँ पे अंडरपास के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है। नहीं बनाया जाता, और इसका लेयरिंग और ऊंचा होगा। अच्छा, तो दोस्तों फिर तो अभी यार फिर तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इस साइड में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसमें तो ये तो फिर अभी और ऊपर इसमें मिट्टी भरा जाएगा। नहीं अभी और भरा जाएगा। हाँ, तो लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, बहुत लोगों को मैंने देखा है वीडियो में बोलते हैं कि काम बहुत स्लो चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, काम बहुत फास्ट चल रहा है। काम में ऋषि कुंड चले जाएंगे इधर से नवागढ़ी, और काफी लोग आ भी रहे हैं ऋषि कुंड से, ये देखे फोटो में। चलिए, इसी पुल की वजह से ना ये जो है यहाँ पे अंडर पास दिया जा रहा है यार, दिया जा रहा है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो है ऋषि कुंड में गर्म पानी का आनंद ले सके। लेकिन यार इस साइड में थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, मे बी इसका रीजन भी है अंडर पास के वजह से। अंडर पास तो वो है, वो ठीक है, लेकिन मेन बात है कि ये जो तार जो है यार, इन सबका मेन तो प्रॉब्लम यही है ना, इसको भी हटाना इतना आसान काम तो है नहीं यार। से पहले काम करवाया जाता है, हटाने के लिए तो परमिशन लिया जाएगा ना, उसमें भी बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, सब कुछ लेने पड़ते हैं। हाँ, तो लेकिन मैं ये बोल रहा था कि काफी लोग बोलते हैं ना कि काम बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे तो मैं तो अपने जीवन काल में ऐसा देख रहा हूँ अब तक जितना रोड बनते देखे ना, सबसे फास्ट और सबसे फास्ट बन रहा है। और सबसे मजे की बात दोस्तों आपको मैं ये बताऊँ, यहाँ से उधर का भी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, और वो जो है रोड रोलर जो है वो मिट्टी दबाने का काम कर रहा है वहाँ पर सामने है। दोस्तों ये मुझे लगता है कि फिर भी लगभग है ना 3 साल पूरा प्रॉपर तरीके से लग ही जाएगा इसको बनाने में। बनने में लगता है कि काम स्लो चल रहा है, तो देख लीजिए काम कितना फास्ट चल रहा है। काफी पानी डूब जाता है, गंगा जी का जब बाढ़ आता है तो इस एरिया में काफी पानी आ जाता है, इसलिए इस एरिया में ज्यादातर पुल दिया जा रहा है कि पानी अंदर से पास होते रहे और रोड को कोई भी दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। अच्छा, हाँ तो यार ये भी है ना यार, अब क्या करेगा भाई, ये वाला एरिया है ना उस टाइप का एरिया कि यहाँ पर गंगा जी का जो पानी है ना बरसात के मौसम में, यार ये पूरा आप लोग जो है यहाँ पे रोड को कोई नुकसान नहीं, इस वजह से ज्यादातर पुल बनाया जा रहा है ताकि जो है अंडरपास मतलब ना पानी निकल सके। और यहाँ पर भाई तो बहुत लोग आ चुके हैं रतनपुर के गाँव, ये देखिए यहाँ पर अभी चल रहा है, ये रतनपुर गाँव है, लेबलिंग का काम हो रहा है रतनपुर टावर सब। अभी परमिशन नहीं मिला है ना यहाँ पे, कौन सी कंपनी का है मतलब टेंडर? ये भी मोंटी कार्लो ही है। पूरा आगे तक मोंटी कार्लो ही है क्या? खरिया पीपरा तक। अच्छा, तब तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग काफी फास्ट काम हो रहा है यार इस पर ना, इसको उखाड़ने का प्रोसेस चलेगा मतलब। परमिशन नहीं मिला है। अच्छा, SPDCL से भी परमिशन नहीं मिला है, तो दिखाते हैं कि और मतलब हम लोग जो आगे चलेंगे बरियारपुर तक, वहाँ तक देखेंगे कि कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन सबको कवर करेंगे। ये है, इससे ना काफी अच्छा मिल रहा है, मतलब इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी हम लोग आपको बताते हैं ये जो लोकेशन है, जो है बरियारपुर पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लग जाते थे, आधा घंटा लग जाता था अगर तेज ना चलाओ तो। तेज चलाने बाद तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। और अभी यहाँ इधर से हम सोच रहे हैं रतनपुर आ चुके हैं। ये लोकेशन कौन सा है? रतनपुर है ना? हाँ, ये लोकेशन ये जो रतनपुर है, ये जो लोकेशन है रतनपुर में दिख रहा है, यही गांव है रतनपुर है। क्या का रेलवे स्टेशन कहाँ? इसी तरफ में है क्या? नहीं, रेलवे स्टेशन रतनपुर वो अलग है। अच्छा, ये रतनपुर गांव है। रतनपुर स्टेशन दोस्तों मेरे को मालूम है, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। स्टेशन अलग है और गाँव अलग है। ये गाँव यहाँ पर
के पास ये रोड जो है बरियारपुर जाता है, ऋषिकुंड हॉल्ट के पास जाता है। अच्छा, ऋषिकुंड हॉल्ट के पास ही जाते हैं के लिए जाता है। और ये जो रोड है ऋषिकुंड हॉल्ट के लिए जाता है, ये जो रोड है इधर जाती है लौची का रोड में जाके मिल जाती है उधर से। अच्छा, ऋषिकुंड का जो रोड उधर से जाती है उधर लौची में मिलती है, लौची का रोड इधर आके जो है इधर ऋषिकुंड हॉल्ट के पास आपके मिलती है। ओहो, और यहाँ पर भाई अभी इतना डर भी लग रहा है ना, क्योंकि पता नहीं यार पहले तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ लग रहा है कुछ नया चीज अभी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे जो है ना ये मिट्टी वगैरह डाला, नहीं यहाँ पे जो बाढ़ का पानी आया था उसी को रोक के रखा गया था। अच्छा, बाढ़ का पानी को, यही सब पानी को जो इसमें यूज कर लिया गया है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे वर्कर जो है वो भी लगे पड़े हैं एकदम यार। यहाँ पे ढलैया के लिए अभी छड़ लगाया जा रहा है जो कि वही पानी को पास करने के लिए बनाया गया है ना। यही इन्हीं सब खेतों में थोड़ी ज्यादा परेशानी है। और नजारा तो इस समय अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप नजारे पे मत जाइए, इस एरिया बाढ़ में ना ये पूरा डूब जाता है खेत यार। बाढ़ का समस्या बहुत ज्यादा बना रहता है इस एरिया में। इस नजारे को देख के मत सोचिए कि ये ना बहुत अच्छा लोकेशन है। और हम लोग अब बरियारपुर के जस्ट नजदीक आ चुके हैं। ज्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी ना, वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ पर इस साइड पर जो काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समय समय पर पानी भी छिड़का जाता है। और ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ है सीन। और इंजीनियर वगैरह का गाड़ी आते जाते रहता है, उसको भी दिक्कत ना हो इस पे। हाँ, तो इसलिए पानी भी छिड़कते रहते हैं लोग। तो दोस्तों हम लोग काफी बीच में आ चुके हैं बरियारपुर से, इतना पास में, और इस साइड में बरियारपुर है और पानी पास होने के लिए बनाया जा रहा है। इस एरिया में तो यहाँ पे तो जरूरी भी है, अगर यहाँ पर यहीं पर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे अगर वो ब्रिज अगर ना बनाया जाए तो फिर तो भाई दोस्तों बहुत प्रॉब्लम है यार। और ये यहाँ इस पानी से लोग अपना खेती का भी काम निकाल ले रहे हैं। अभी तो खेती का भी काम निकाल रहे हैं, मोटर लगा के जो पानी को खींच लेते हैं। गेहूं का अभी पटवन चल रहा है, तो ये गेहूं का ना ये गेहूं का खेत है। देखिए दोस्तों कितना हरा भरा है। आप लोग भी कभी गांव के लाइफस्टाइल को बिता दे, देखिए काफी अच्छा। हम लोग बरियारपुर के नजदीक आ चुके हैं। देखिए दोस्तों वो जो घर वगैरह दिख रहा होगा आपको, वो देखिए बरियारपुर और खड़गपुर का रोड दिख रहा होगा वहाँ। और यहाँ दोस्तों मैं तो पूरा खुश हुआ यहाँ का काम देख के। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे बिहार में ना को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा काम हो जाए ना, जो कि रोड वगैरह को भी है हो सकता है। यहाँ पर भी एक और काम चल रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं काफी खुश हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि बिहार में ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम हो, जो कि जरूरी भी है हमारे हमारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों हम लोग का यही था अपडेट इस बार का। बाकी हम लोग कुछ नया यहाँ पर ऐड होता है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो हम आपको दिखाएंगे जरूर कि क्या काम हुआ है वीडियो में। और बाकी मिलते हैं आप लोग उस अगले वीडियो में कि कहाँ तक काम पहुँचा नहीं पहुँचा। अगला काम आपको दिखाया जाएगा जब पूरा रोड पर हम घर निकलते हैं। हम लोग घर से काफी दूर आ चुके हैं। बाय बाय।